हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंदिर में जाके हमें किस तरह प्रणाम करना चाहिए। सिर, हाथ, पैर, हृदय, आंख, जांघ, वचन और मन, इन आठों से युक्त होकर भूमि पर सीधे लेकर किया जाने वाला प्रणाम दंडवत प्रणाम कहलाता है। यह एक आसन है जिसमें शरीर का हर भाग जमीन के साथ स्पर्श करता है। बहुत से लोगों को यह आसन आउटडेटेड लग सकता है, लेकिन यह आसन इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ चुका है। इस आसन के जरिए आप ईश्वर को यह बताते हैं कि आप उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं। यह आसन आपको ईश्वर के शरण में ले जाता है। इस तरह का आसन सामान्य तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्या आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को यह आसन करने की मनाही है? जानना चाहते हैं क्यों? हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्त्री का गर्भ और उसके वक्ष कभी जमीन से स्पर्श नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका गर्भ एक जीवन को सहेज कर रखता है और वक्ष उस जीवन को पोषण देता है। इसलिए यह आसन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में दंडवत प्रणाम को साष्टांग प्रणाम भी कहा जाता है। प्राचीन काल में दंड सीधे बांस को कहा जाता था और जब इस बांस को भूमि पर समतल रख दिया जाए तो वह मुद्रा दंडवत हो जाती है। जब शरीर को इसी अवस्था में मुंह के बल भूमि पर लिटा दिया जाए तो इसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। पुरुषों को साष्टांग दंडवत करना चाहिए, औरतों को पांचांग दंडवत, स्त्रियों को घुटनों को मोड़कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, जिसके अंदर घुटने मुड़े हुए, घुटने, पैर, कंधे ये जमीन से टच होती हैं। लोग श्रीधाम वृंदावन या गोवर्धन महाराज की दंडवत परिक्रमा लगाते हैं, जो स्त्रियों को नहीं लगानी चाहिए। महिलाएं चलकर परिक्रमा दें या तो अपने पति को छूकर, जो कि दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, के साथ साथ चले। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। जब कोई दंडवत या साष्टांग प्रणाम कर रहा हो तो ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे छुए ना, उसके सामने से ना निकले। ये वैष्णव अपराध होता है। जब सामने आप किसी को दंडवत प्रणाम करते देखे तो वहीं रुक जाए। अगर कोई प्रणाम मुद्रा में है तो चाहे कितनी भीड़ हो, उसके ऊपर से लांघना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड से दंडवत करने की। आपने बहुत मंदिरों में देखा होगा लोगों को भगवान के सामने नहीं, साइड से दंडवत धोक देते हुए। गौरिया समुदाय में उल्टे हाथ से दंडवत धोक दी जाती है। देखकर मन में प्रश्न आता है कि इस तरह प्रणाम क्यों किया जाता है। इस तरह प्रणाम करने की वजह बहुत जगह अलग अलग दी गई है। कुछ लोग मानते हैं हमारा दिल उल्टी तरफ होता है, अगर प्रणाम करते हुए दिल की साइड भगवान की तरफ होगी तो भगवान सीधा हमारे दिल पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे या वो सीधा हमारे दिल में बस जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि वो भगवान को अपना दिल देना चाहते हैं, इसलिए वो दिल की तरफ भगवान के सामने रखते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि भगवान का श्री विग्रह मंदिर में जहां से अंदर आते हैं उसके बिल्कुल सामने होता है, इसलिए अगर भगवान के सामने दंडवत धोक दी जाए तो पैर और भक्तों की तरफ होंगे, जो उनका अपमान होगा। भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों को प्यार करते हैं, उनका सम्मान चाहते हैं, इसलिए भगवान की तरफ हमारी लेफ्ट साइड या उल्टी तरफ आनी चाहिए। ये भगवान और भक्तों के प्रति अपने प्यार और सम्मान दिखाने का एक बहुत सुंदर तरीका है। दंडवत एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब जमीन पर बिल्कुल सीधा लेटना है, तिल्ली की तरह। दंडवत में अपने दोनों हाथ भी बिल्कुल सीधे आगे की तरफ रखते हैं। दंडवत में हम भगवान के सामने संपूर्ण समर्पण करते हैं, अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा दंडवत प्रणाम करने के स्वास्थ्य लाभ भी बहुत ज्यादा है। ऐसा करने से हमारी मांसपेशियां पूरी तरह खुल जाती हैं, उन्हें मजबूती मिलती है। प्रणाम का सीधा संबंध प्रणत शब्द से है, जिसका अर्थ होता है विनीत होना, नम्र होना, किसी के सामने सिर झुकाना। प्राचीन काल से प्रणाम की परंपरा चल रही है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों के पास जाता है तो वह प्रणाम करता है। अब हमें दंडवत प्रणाम या नमस्कार करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में नमस्कार करते समय या साष्टांग नमस्कार करते वक्त पैरों में चप्पल या जूते ना पहने,
मंदिर में नमस्कार करते समय पुरुष सिर न ढके और स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए। हनुमान मंदिर और कालका माँ के मंदिर में सभी को सर ढकना चाहिए। हाथों को जोड़ते समय उंगलियां ढीली रखें, उंगलियों के बीच अंतर ना रखें। जब हम भगवान के सामने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं, इसका मतलब होता है संपूर्ण समर्पण। आपने देखा होगा, अक्सर जब पुलिस अपराधी को पकड़ती है तब कहा जाता है कि हाथ ऊपर करो, इसका मतलब है समर्पण कर दो। इसी तरह जब हम अपने भगवान के सामने जाते हैं तब हम भी हाथ ऊपर करके यही कहते हैं कि हमने समर्पण कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।